गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद को जाने की जल्दी होने के कारण जो बच्चे पीछे छूट गए थे उनके लिए कह रहा है कि वो धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जो जैसे कि वो कुछ लग गया हो और जल्दी जल्दी चलने की इच्छा हो रही थी। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हो या कभी थकता ही नहीं है। शहर का दामन आ गया। सड़क के किनारे दोनों किनारे अमीरों के जो बगीचे लगे हुए थे उनको देख रहा था। पक्की चार दीवारी बनी हुई थी, पेड़ों में आम लगे हुए थे, लीची लगी हुई थी। कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम को निशाना बनाता तो माली अंदर से आकर के उन पर झेपता चिल्लाता, लड़के यहाँ से एक फलांग पर और वहाँ चला जाता। फिर मिलकर सब हंसते, खूब हंसते, माली को कैसे उल्लू बनाया। इधर बड़ी बड़ी इमारतें थी, यह अदालत है। रास्ता जो ईदगाह की ओर जा रहा है उसके बीच में आने वाली समस्त इमारतें और घरों की चर्चा हो रही है, दृश्य दिखाया जा रहा है। यह एक अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब, और इस बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, यानी लड़के जो है वो बड़े बड़े आदमी के रूप में हैं, छोटे बच्चों के रूप में नहीं हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते हैं, न जाने कब तक ये पढ़ते रहेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे, मदरसा स्कूल को कहते हैं, हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, यानी पढ़ाई नहीं करने पर मार पड़ती है, आपको भी पड़ती है ना, उसी तरह रोज़ मार खाते हैं, काम से भी जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोग जो है चुप नहीं रहते, यहाँ पर सोने के पश्चात भी इनका दिमाग जो है चलता रहता है, यानी मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है का मतलब है नींद में भी वे अपना दिमाग चलाते रहते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, यहाँ शाम को इस मैदान में बड़े बड़े लोग खेलने आते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछे दाढ़ी वाले, और मैम भी खेलती है, मैडम जो है वह भी खेलती है। सब हमारे अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है बेटा, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लग जाएगा। अनुमान लगा रहे हैं कि जो खेल मैडम खेल रही है, यदि मेरी अम्मी जान एक मिनट के लिए खेलने लगेगी तो उनके हाथ से तो वह बॉल ही लुढ़क जाएगी। मोहसिन बोला, अम्मा मानो आटा पीस डालेगी, यानी जो गांव के लोग हैं उनको गांव का काम करना आता है, और शहर में पले बड़े लोग शहरी भाषा जानते हैं, शहर के खेल करना जानते हैं। वे बच्चे अपनी माँ से उन जो महिलाओं की यानी विदेशी महिलाओं की तुलना कर रहे हैं कि अम्मी जो है आटा पीस सकती है, ये सब काम नहीं कर सकती, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो उनका हाथ तो कांपने लग जाएगा, सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकाल लेगी पर ये काम नहीं आएगा। 5 घंटे तो मेरे जो है भैंस पी जाती, 5 घड़े जो है मेरी भैंस ही पानी पी जाती है, तो दिन भर पानी लाना, आटा पीसना, ये सारा काम मेरी माँ कर सकती है। ये काम यदि किसी मैम को दे दिया जाए, किसी मैम को एक घड़ा पानी भरने के लिए दे दिया जाए तो उनकी आंखें जो है तलने लग जाएगी, यानी अंधेरे में घूमने लग जाएगी, क्योंकि उनको इस काम की आदत नहीं है। महमूद ने कहा, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन ने कहा, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुद गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी,
तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि उसे पकड़ कर ले गए। कहने का मतलब है जब आवश्यकता पड़ती है तब माँ उछल कूद भी कर सकती है, वह गाय को लेने के लिए दौड़ सकती है, इस तरह खेल के लिए वह नहीं दौड़ती। आगे चले, हलवाई की दुकान आई, हलवाई की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई है, इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा, अनुमान लगा रहे हैं। देखा ना, एक एक दुकान पर के मानो ऐसे जमा हुआ है कि रात को जिन आकर के खरीदते हैं, जिन होता है जो कि रात को आता है, ऐसा अनुमान छोटे बच्चे लगा रहे हैं। जिन कोई होता नहीं है, बस यह सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि रात को जिन आता है और इन सब मिठाइयों को उठा करके लेकर चला जाता है। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन को कहाँ से मिल जाते होंगे। मोहसिन ने कहा, जिन को रुपए की क्या आवश्यकता है, जिसे चाहो उस खजाने से वह उठा कर ले जा सकता है, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकता है, यानी वह तो एक आत्मा की तरह है जो खुद बहुत कहीं पर भी आ जा सकती है। हामिद ने फिर पूछा, जिन बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या। मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होते हैं। अब जिन कोई होते नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां जो उन्होंने कहीं पढ़ी या सुनी है उससे वह बातें कर रहे हैं कि आसमान के बराबर होते हैं, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर जो है आसमान पर टिक जाता है, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस सकता है, यानी इतना छोटा भी वह हो सकता है। हामिद, लोग उसे कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बताएं जिससे कि जिन खुश हो जाए। मोहसिन कहता है कि अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं, कोई चीज़ चोरी जाए चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमराती का बच्चा खो गया था, यानी छोटा गाय का बच्चा खो गया था, 30 दिन तक वह नहीं मिला, लेकिन चौधरी साहब ने उनको तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में और वहीं पर मिलेगा। जिन आकर उन्हें सारा जहान की खबर दे जाता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना सारा धन है, लोग उसको अपनी बातें पूछने के लिए धन देकर जाते हैं। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहाँ पर एक कांस्टेबल कयामत करते हैं, रेटन फाय को। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नई चोरियां हो जाए, चोरी ना हो जाए इसलिए पहरा देते हैं। मोहसिन ने प्रतिवादन किया, या कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। दूसरे ने क्या कहा कि ये पहरा नहीं देते हैं, चोरी यही कराते हैं, शहर के जितने भी चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हुए रहते हैं, रात को ये लोग चोरों को कह देते हैं कि चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। जमीन इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरी मानो एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मांगू, आप इतने रुपए कहाँ से लाते हो, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले कि हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार सकते हैं, हम तो इतना ही लेते हैं, यानी रिश्वत लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी भी ना जाए। कहने का मतलब है कि पुलिस वाले ही चोरी कराते हैं और उनसे रिश्वत लेकर उनको छुड़ा देते हैं। या इस संसार की, देश की जो नीति है उसके बारे में बातें हो रही है। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं है। मोहसिन उसकी नादानी पर दया करते हुए बोला, अरे ये इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद ही लोग हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा तो खूब देगा, अल्लाह जो है वो खूब सजा देगा, यहाँ पर बच जाए तो क्या, भगवान के घर, ईश्वर के घर इन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ये छोटे बच्चे भी इस बात को मानते हैं, जानते हैं हराम का माल हराम में जाता है,
थोड़े ही दिन हुए कि मामू के घर आग लग गई और सारा का सारा जो सामान था वह जलकर भस्म हो गया। सारी लेई पूंजी जो है वह जल भस्म हो गई। एक बर्तन भांडा भी नहीं बचा। कई दिन तक पेड़ के नीचे उन्होंने जीवन काटा। पेड़ के नीचे बैठ करके न जाने कहां से कहां 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे खरीदे। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहां 50, कहां 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए होंगे। अब ये जो बात 50 और 100 की हो रही है, उस समय एक एक आनी होती, एक एक पैसा होता था। तो एक एक पैसा जब 100 होता है तो एक थैला भर जाए, इतने सारे पैसे लगते थे। इसलिए कह रहे हैं कि एक थैली और 2 थैली की बात हो रही है, कि 100 यानी कि 2 थैली के बराबर होगा। अब बस्ती घनी होने लगी। रास्ते में देखा कि चारों तरफ लोग चल रहे हैं इत्यादि, बस्ती भरी भरी लग रही है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र यानी चमकदार वस्त्र पहने हुए हैं। कोई इक्का तांगे पर सवार है। इक्का तांगा क्या होता है? जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको इक्का तांगा कहते हैं। कोई मोटर पर, तो सभी इत्र में बसे यानी सब इत्र स्प्रे जो लगाते हो तुम लोग वो लगा के रखे हैं। सभी के दिलों में बहुत ही उमंग है। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर है। कुछ ग्रामीण लोग जो है इन सब से बिल्कुल हटकर है, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बच गया, यानी चलने चलते चलते बातों में इतने मशगूल हो गए कि कौन आसपास से आ रहा है वो बेखबर थे। सहसा ईदगाह नज़र आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया थी, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछी हुई है, जाजिम यानी चटाई बिछी हुई है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली आ रही है। पक्की जगत के नीचे तक एक जाजिम भी नहीं है। कुछ हिस्से में जाजिम लगी हुई है जहाँ लोग हैं, और कुछ हिस्से में जाजिम नहीं है, फिर भी लोग नमाज पढ़ने के लिए बिना जाजिम के भी बैठ गए हैं। नए आने वाले उनके पीछे की कतार में खड़े हो गए, आगे आने की जगह नहीं थी। यही कोई धन और पद नहीं देखता, यानी जब नमाज पढ़ते हैं तब यहाँ धन और पद का कोई भेदभाव नहीं होता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है, इन्होंने भी रोज़े किए हैं और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर सुव्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते और एक साथ उठने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह जब प्रक्रिया चलती है तो वह दृश्य जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त यानी जलती है और बुझ जाती है। यह क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कितना मनमोहक, कितना सुंदर यह दृश्य लग रहा है। यह किस कितना जो मनमोहक दृश्य लग रहा है, कितना अपूर्व दृश्य था जिसका जिसकी सामूहिक प्रक्रिया विस्तार और अनंत हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो मातृत्व का एक सूत्र इन सब समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। यह जो दृश्य है ऐसे लग रहा है कि सब दिल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ शरीर अलग अलग है, आत्माएं सबकी एक है। ना है बड़ा है न छोटा है, न गरीब है न अमीर है, सब एक साथ अपना सिर नमाज पढ़ने के लिए झुकाते हैं और एक साथ उठ खड़े होते हैं।